तो इसको दोस्तों हम पकड़ेंगे। अरे मत मार भाई, मत मारो, क्यों मार रहे हो भाई, क्यों मार? सांप है तो इसको दोस्तों हम पकड़ेंगे। अरे मत मार भाई, मत मारो, क्यों मार रहे हो भाई? आज नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का रसगोगाल दोस्तों मुझे भिखारीपुर ग्राम सभा से मिला हुआ है। ये दोस्तों जिला बस्ती में पड़ता है और थाना छावनी पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों एक जहरीला सांप देखा गया है। घर के जस्ट सामने जो है एक छपरा रखा हुआ है, उसी के बगल में दोस्तों वो बता रहे भाई साहब, इन्होंने हमारे पास फोन किया था कि कोई जहरीला सांप है और वहाँ पर बैठा हुआ था। काफी टाइम से गांव में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अचानक जब वो दिखाई पड़ा तो उसके ऊपर कोई चदरा फेंक दिए है, बोरा फेंक दिए है, तो उसी के अंदर नीचे छुपके बैठा हुआ है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। रमेश नाम है। कैसे मिला आपको हमारा नंबर? हमारे यूट्यूब से मिला। अच्छा, यूट्यूब से निकाले हैं। आपके गांव का क्या नाम है? भिखारीपुर। और थाना कौन सा पड़ता है? छावनी। और जिला? बस्ती। कितने टाइम से सांप दिखाई पड़ रहा है ये? करीब 3 घंटे दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जब आपने देखा तो आपने क्या विचार किया कि इसको बचाना चाहिए कि मारना चाहिए? नहीं, बचाना चाहिए, बचाने के बारे में। अच्छा, तो आपने बचाने के बारे में सोचना, फिर आपने हमारा यूट्यूब से नंबर निकाला। अच्छा, तो मौके पर सांप कहाँ है, छुपा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? दिखाते हैं। अच्छा, जहाँ पर बैठा हुआ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सांप को निकालते हैं। और बस्ती से तकरीबन मेरे ख्याल 40 से 45 किलोमीटर के दूरी पर पड़ेगा ये ग्राम सभा पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं कि एक बेजुबान को मारा नहीं, बचा लिया। तो चलिए बिना समय गवाए सांप को निकालते हैं और निकाल कर दिखाते हैं। तो चलिए जहाँ पर सांप दिखाई पड़ा, तो आइए दोस्तों चलकर देखते हैं कौन सा सांप है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काफी संख्या में दोस्तों लोग उठे हुए हैं, घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं। और दोस्तों यही छपरा है, ये काफी गरीब घर से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ऐसा आप देख सकते हैं, ना तो घर है ना तो रहने के लिए है। तो हम दोस्तों गुजारिश करना चाहेंगे। और चलिए कहाँ पर दिख रही है? अच्छा, इधर ही है। तो दोस्तों जो आप देख सकते हैं, ये जो 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 ये जो है, आप उधर से जाइए, जो दोस्तों ये बोरी रखा हुआ है, ये बता रहे भाई साहब इसी के जस्ट कहीं पर वो छिपा हुआ है। तो चलिए इसको हम धीरे धीरे करके हटाते हैं और निकालते हैं। दोस्तों कहाँ पर है भैया? यहीं पर है दोस्तों, इसी के नीचे कोबरा सांप दोस्तों। इधर भाई, मोन कर रहा है, इधर है। कहाँ पे है भैया? यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आराम से दोस्तों ये बैठा हुआ है। और दोस्तों काफी बड़ा दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बड़ा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है दोस्तों इसको कुछ हो गया है, मुंडी दोस्तों पूरा सूज गया है इसका। चलिए इसको बाहर लेकर चलते हैं और इसके बारे में दोस्तों थोड़ी बहुत और जानकारी देते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है दोस्तों इसको कुछ हो गया है। क्या हुआ है दोस्तों ये मुझे नहीं मालूम, ये आप देख सकते हैं कुछ तो इसको रोग लग गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और इसके मुंडी पे क्या हुआ है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। नहीं, केचुल नहीं, कुछ इसके मुंडी पे हो गया है, ये देख सकते हैं इसके मुंडी पे दोस्तों कुछ तो हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि दोस्तों इसको कुछ बीमारी लग गई है, ये आप देख सकते हैं। तो काफी दोस्तों ये बड़ा है, ये दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है। इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो हम एक चीज कहना चाहेंगे दोस्तों, ये सांप को ऐसा लग रहा है कि कोई बीमारी लग गया है, ये मुझे नहीं मालूम क्या लगा है, कुछ तो हुआ, इसका मुंडी पूरा पूरा दोस्तों फूल गया है। तो इसको दोस्तों बचा, सांप है तो इसको दोस्तों हम पकड़ेंगे। अरे मत मारो भाई, मत मारो, क्यों मार रहे हो भाई, क्यों मार रहे हो इसको, मत मारो भाई। अरे तो बेचारा बेजुबान जानवर है, आप मार रहे हो इसको, मत मारो भाई, मत मारो, ऐसे बेचारा मरा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई साहब इसको मारने के लिए आ रहे थे, ये आप देख सकते हैं। नहीं मारो मत भैया, मर जाएगा भाई, मारो मत, मर जाएगा भाई, इसको बचाओ भाई, ये पर्यावरण मित्र है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भागने लगा, भाई मारो मत इसको, मारो मत भाई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अच्छा भाई क्यों मार रहे हैं इसको, क्या क्या बिगाड़ा है भाई आप, उसको मारेंगे, मत मारो भाई, मत मारो इसको, ये बेचारा इसे दुख से परेशान है, इसको आप मारना चाहते हैं। अरे मत मारो भाई, मत मारो, मत मारो भाई, मत मारो यार, मत मारो भाई, ये बेचारा बेजुबान। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ना तो ये चल पा रहा है,
ना तो दोस्तों इधर उधर हिल पा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी आंखों से लग रहा है कुछ दिखता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कुछ तो इसके मुड़ी पर हुआ है, क्या हुआ है ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब दोस्तों इसको मारने के लिए आ रहे हैं, बेचारा खुद ऐसे मरा हुआ है, इसको मत मारो भाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मरा हुआ है, और इन भाई साहब दोस्तों मना कर रहे हैं बार बार इसको मत मारिए, ये बोल रहे हैं कि नहीं ये काल है जो है काट लेगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काल नहीं है, ये पर्यावरण मित्र है। तो चलिए इसको झोरी के अंदर पैक करना चाहेंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर। इसके अंदर दोस्तों जो जहर पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। या तो दो ही थोड़ा देर को उसको क्यों मार रहे हो भाई यार, वो बेजुबान जानवर है, मत मारो उसको भाई साहब। देखो बेचारा इसे वो तड़प रहा है, परेशान हो गया। अच्छा इसलिए आप उसको मारना चाहते हैं क्या? नहीं मारना नहीं चाहिए भाई साहब, आप समझदार हो भाई, मत मारो यार, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई साहब इसको मारने जा रहे थे, इसको मत मारो भाई, बेचारा बेजुबान जानवर है, ठीक है। तो अब आप सोचते हैं कि इसको पैक कर देते हैं अभी लोगों से। अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है, ठीक है। किसी झाड़ फूंक तंत्र विद्या के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि गांव देहात में अंधविश्वास अभी भी लोगों में हावी है। अगर ये जहरीला सांप काटा कि तंत्र मंत्र जड़ी बूटी से क्या जहर उतर जाएगा? नहीं है। संभव कि इसके काटने पर क्या झाड़ फूंक से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। ये पुरानी बातें हैं, आजा बाबा के जमाने में जो लोग करते आ रहे थे, कोई भी झाड़ फूंक से ठीक कर सकता है। पहले कैसे किसी को बिच्छी मारता था तो जो झाड़ता था उसको बुलाते थे कि नहीं, या तो उसके पास लेकर जाते थे, तो क्या करते थे यहाँ पर बांध देते थे, अगर पैर या हाथ में कहीं से बिच्छी अगर डंक मारती थी तो यहाँ पर बांधने के बाद उसको क्या करते थे, उतारते थे, मतलब झाड़ फूंक से उतारने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है कि सांप काटने के बाद बिच्छी डंक मारने से झाड़ फूंक से वो ठीक हो जाएगा, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर बिना जहर वाला सांप काट लिया तो मान सकते हैं कि मतलब उसको झाड़ फूंक से हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सांप काट लेगा तो बिल्कुल कोई नहीं ठीक कर पाएगा। तो ये आप लोग से निवेदन करना चाहेंगे, आप कहीं भी मिलते हैं किसी से मिलते हैं उनको जानकारी दीजिए, अगर ऐसा किसी के साथ मान लो अगर होता है सांप काट लिया और उसके बाद में उनको क्या करना चाहिए, सीधा जिला अस्पताल लेकर आना चाहिए। ये आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, इसके जो मुंडी पर दोस्तों जो जख्म बना हुआ है, क्या जख्म हुआ है ये तो मुझे नहीं मालूम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये बेचारा बहुत परेशान है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको हम देख सकते कितना दोस्तों इसके ऐसा लग रहा है कि कोई इसको बीमारी लग गया है। पीछे से आपको दिखाना चाहेंगे, इसका पूरा सूजन आ गया है, ये देख सकते हैं, मुंह भी दोस्तों नहीं बा पा रहा है ये, तो इसको हम चाहेंगे दोस्तों इलाज करवाना चाहेंगे। हाँ कहीं कहीं पर इसको वो लगा है, चोट लगा इसको, मतलब कुछ चोट लगा या क्या लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको दर्द है, काफी ज्यादा इसको दर्द है। तो चलिए दोस्तों इसको बिना समय गवाए आप इसको एक झोरी के अंदर पैक कर देते हैं। चलिए भैया झोरी लाइए मेरा, इसको हम पैक करें, आप लाइए भैया, उसमें कुछ नहीं है। तो चलिए बाबा, बाबा अंदर चलिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको झोरी के अंदर हमने पैक कर दिया है, और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी जंतु को बचाते हुए, फिर किसी जंतु को छोड़ते हुए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ताली जरूर मारिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो आप लोग सेविंग शेयर करेंगे और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं कैसा लगा। भाई साहब डंडा उठा के मारने जा रहे थे, क्या उचित बनता है सांप को मारना, बचाना चाहिए कि मारना चाहिए?